तो पेज नंबर 4.23 आरडी शर्मा का एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग By the method of completing the square, by the method of completing the square, ठीक है। अब देखिएगा ये जो completing the square method है, ये किस तरीके से हम इसको करते हैं, इसके चार पांच steps हैं। जैसे हमको जो भी quadratic equation दे रखी है, सबसे पहले मुझे वो quadratic equation लिखनी होगी। जैसे लिखा हुआ है 9x square minus 15x plus 6 is equal to 0। तो हमने यहां पर लिखा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि ये जो x स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट यहां पर दे रखा है ना 9, मुझे ये कोफिशिएंट हटाना है और मुझे इस कोफिशिएंट को बनाना है 1। समझ रहे हैं, मुझे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाय 9। इस इक्वेशन को थ्रू आउट आपको 9 से डिवाइड कर देना है। 9 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म हमारा 1 बन जाएगा। तो मुझे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो आपने थ्रू आउट 9 से डिवाइड कर दिया। 9 से डिवाइड करने का मतलब हर एक टर्म 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 15x अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये बता दीजिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो टर्म है ना हमारा 5 अपॉन 3x, ये वाला जो टर्म है, हमें क्या करना है, हमें इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। समझ गए? हमें इसमें जो ये जो टर्म है ना 5 अपॉन 3 और x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड करना है। ये फिक्स स्टेप है। पहला स्टेप याद रखें कि पहले स्टेप में हमें हमेशा क्या करना है कि जो भी हमारा, जैसे x स्क्वायर है, इसका जो भी कोफिशिएंट है, हमें पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन सके। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने थ्रू आउट इसको 9 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो बीच वाला टर्म है x वाला टर्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। तो देखिएगा क्या होगा कि ये x स्क्वायर एज इट इज फिर माइनस एज इट इज, तो पहले लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाइड के लिए मैं डॉट लगा देता हूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। और लास्ट वाला जो टर्म है प्लस का 2/3, इस लास्ट वाले टर्म को प्लस के 2/3 को उस तरफ ले जाना है। तो ये हो गया माइनस 2/3। पहले ये बता दीजिए, ये सबको यहां तक समझ में आ गया कि हमने क्या करा, ये जो बीच वाला टर्म हमारे पास आया ना 5 अपॉन 3x, हमने क्या करा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू एक्स लिखूंगा मैं, पहले लिखूंगा 2 फिर लिखूंगा x, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा, 2 इंटू एक्स, और फिर जो ये कोफिशियंट है, इस कोफिशियंट के डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली मैंने इस पूरे में 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिविजन कर दिया। तो जो हमारा ये टर्म है एज इट इज यही रहेगा। बताइए समझ गए कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, अक्षत, आदित्य, ध्रुव, इशिता, बताइए क्लियर है? यस सर।
क्लियर है? यस सर। ओके, अब आप देखिएगा ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, अगला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि ये वाली जो टर्म बनी है ना, 5 upon 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, x² - 2 into x into 5 upon 6 ये तो है ही, है ना, 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया डिनोमिनेटर में। तो मैं 5 upon 6 का होल स्क्वायर इस तरफ ऐड कर दूंगा और 5 upon 6 का होल स्क्वायर ही राइट हैंड साइड में ऐड कर दूंगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें, सेम टर्म से डिवाइड करें, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करें या सेम टर्म ऐड करें, तो पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 upon 6 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी 5 upon 6 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक है, अब देखिएगा अगला काम क्या करेंगे। अब आप ये देखो, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप देख लीजिए, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 5 upon 6 का स्क्वायर माइनस 2 into x into 5 upon 6, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? आप देखिए, x का स्क्वायर प्लस 5 upon 6 का स्क्वायर माइनस 2 into x into 5 upon 6, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 5 upon 6 का, x माइनस 5 upon 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये हो गया -2/3 और फिर प्लस का 5 upon 6 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 upon 36। अब मुझे ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड देखिएगा, ये हो गया x माइनस 5 upon 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और 36 का एलसीएम हो जाएगा बेटा 36, 3 12 36, 12 into -2 -24 और प्लस 25, ये है ही, x माइनस 5 upon 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 24 क्या हो गया, 1 upon 36। देखो यहां तो होल स्क्वायर बन ही गया, लेकिन इस तरफ मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 upon 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 6 का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? या चलो छोड़ो, ऐसे मत लिखो अभी, अभी बस इसको अभी रुकिए, अभी एक काम करते हैं, अभी आप यहां पर एक तरफ तो होल स्क्वायर बन ही गया ना, तो यहां पर आप क्या लिखे, हम स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये तो होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो होल स्क्वायर हट जाता है, इसको लिख दीजिए, ये हो गया x माइनस 5 upon 6 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 upon 36 का स्क्वायर रूट। तो जब किसी भी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 upon 6, आ गया x माइनस 5 upon 6 इज इक्वल टू 1 upon 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है, तो मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख दूंगा बेटा, प्लस माइनस 1 upon 6, x माइनस 5 upon 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 upon 6, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप ही देखिएगा इसको मैं क्या कहूंगा, प्लस माइनस 1 upon 6 का मतलब क्या है, x माइनस 5 upon 6 प्लस के 1 upon 6 के बराबर भी हो सकता है, इज इक्वल टू प्लस का 1 upon 6 और
x minus 5 upon 6 is equal to minus का 1 upon 6. तो x minus 5 upon 6 जो है वो प्लस के 1 upon 6 के इक्वल हो सकता है और x minus 5 upon 6 माइनस के 1 upon 6 के इक्वल भी हो सकता है. अब माइनस का 5 upon 6 को इस तरफ ले जाइए तो x is equal to 1 upon 6 plus 5 upon 6 और x is equal to माइनस 1 upon 6 और प्लस का 5 upon 6. ठीक है, तो 1 upon 6 plus 5 upon 6 क्या हो जाएगा, 6 upon 6. तो x is equal to 6 upon 6 और x is equal to माइनस 1 upon 6 plus 5 upon 6. तो माइनस 1 plus 5 कितना हो गया, प्लस का 4 upon 6. 4 upon 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. तो x is equal to 1 और 2 by 3. जब हम किसी भी quadratic equation को solve करें, चाहे तो आप midterm splitting से solve करिए, चाहे आप quadratic formula जिसको श्रीधराचार्य रूल हमने बोला था, चाहे आप उससे सॉल्व करिए, और नहीं तो ये तीसरा मेथड है, बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है, तो उससे भी आप ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट जो है वो हमेशा दो आते हैं, हमेशा दो वैल्यू आती है x की. सभी को समझ में आ गया ये वाला मेथड? यस सर. ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप याद रखिए, जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1. वो कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो. अब आप कहोगे जी इधर 0 को 9 से डिवाइड क्यों नहीं करा, कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 0 डिवाइड बाय 9 वो भी तो 0 ही आएगा. तो हमने ये कहा कि इधर के सभी टर्म्स को 9 से डिवाइड करा, करने के बाद अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया. उसके बाद जो ये x वाला टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है. लिखना किस तरह से है कि बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 2 * x लिख दूंगा पहले, फिर ये जो इसका कोफिशिएंट है 5 upon 3 इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है. ये करने के बाद जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ. फिर अगले टर्म, अगला जो स्टेप है उसमें क्या करूंगा कि ये जो बना है ना 5 upon 3 into 2 यानी कि 5 upon 6, 5 upon 6 का होल स्क्वायर यहां पर ऐड करिए, 5 upon 6 का होल स्क्वायर यहां पर ऐड करो, यहां बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया x minus 5 by 6 का whole square, x minus 5 by 6 का whole square, और इस तरफ मैंने जब simplification करा, तो ये बन गया बेटा 1 upon 36, अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों तरफ square root लेना है, square root लेने पर एक value positive आती है और एक value negative आती है, तो plus minus 1 upon 6 आ गया, एक बार x minus 5 by 6 को 1 upon 6 के बराबर रखा, और एक बार x minus 5 by 6 को minus 1 upon 6 के बराबर रखा, और x की दोनों values calculate कर दी, clear है? सभी को क्लियर है? यस सर. चलिए जी, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 नोट करेंगे. Example number 2, solve the equation 2x square minus 5x plus 3. Solve the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by the method of completing the square. By the method of completing the square. ये जो equation है 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0, इसको solve करना है by the method of completing the square. वही तरीका है, देखिएगा.
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, टू, मुझे टू नहीं चाहिए, मुझे तो वन बनाना है, तो मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा, टू से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड थ्रू आउट बाई टू, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस का फाइव एक्स अपॉन टू प्लस का थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन टू इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। जब मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन आ गया, तो अब अगला स्टेप ये कहता है कि ये जो एक्स वाला टर्म है, इस x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 2 into x, फिर जो x का कोफिशिएंट है इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 into x मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 2 into 2। मतलब मैंने क्या करा 2 और x पहले लिख दिया, और जो ये 5 अपॉन 2 है इसके डिनोमिनेटर को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ के साथ मुझे एक काम और करना है, ये जो प्लस का 3 बाई 2 यानी कि कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बाई 2। चलिए जी अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 बाई 4 is equal to minus 3 by 2। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, आप ये देखिएगा कि ये जो 5 by 4 वाली टर्म आई, इसके होल स्क्वायर को राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करिए और इसके होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भी ऐड करिए, तो अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 into x into 5 by 4 और इधर 5 by 4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया और 5 by 4 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5 by 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 into x into 5 by 4। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 5 by 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 by 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, तो 2 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16, तो 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, तो माइनस 24 यहां प्लस का 25 भी आएगा, तो x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 माइनस 25 4 क्या हो गया 1 1 अपॉन 16। अब मैं क्या करूंगा, अब दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट x माइनस 5 बाई 4 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट। तो जब होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये हो गया x माइनस 5 बाई 4 और इधर 1 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 4। प्लस माइनस 1 बाई 4 ठीक है। अब देखिएगा तो एक बार मैं लिखूंगा कि x माइनस 5 बाई 4 x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस का 1 बाई 4 और x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 4। तो ये माइनस 5 बाई 4 को उधर ले गए,
is equal to 5 by 4 plus 1 by 4 or x is equal to 5 by 4 minus 1 by 4. 5 by 4 plus 1 by 4 क्या हो गया? 5 plus 1 6 upon 4 और 5 minus 1 कितना हो गया? 4. तो 4 upon 4 x is equal to 4 upon 4. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो x is equal to 3 upon 2 और 1. x की वैल्यू 2 आएंगी, या तो 3 upon 2 या फिर 1. बताइए जी, समझ में आ गया सबको? Yes sir. ठीक है sir. गरिमा, क्षितिज, न्यासा, पालकी, yes sir. समझ गए? Yes sir. ठीक है. युग, विदिशा, सक्षम, प्राजक्ता, बताइए. Yes sir. न्यासा क्लियर है? न्यासा क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? दोबारा बताऊं? और पावनी? Yes sir. ठीक है, चलिए जी. तो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन. बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर आगे करवाता हूँ अगला क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन (5x²-6x-2=0) by the method of completing the square. By the method of completing the square. वही सेम प्रोसीजर यहां पर भी आप लोग फॉलो करेंगे. कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि x square का कोफिशिएंट यहां पर 5 है, तो आपको उसको 1 बनाना है, तो आप थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर देंगे इसको. 5x²-6x-2=0. Divide throughout by 5. Throughout आप इसको 5 से divide कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x²-6x/5 (-2/5) = 0. ठीक है, उसके बाद इस तरफ कर रहा हूं.
तो यहां पर 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 इनटू x, और माइनस का 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। फिर मुझे अगले स्टेप में ये करना होता है कि जो ये वाला टर्म है x वाला टर्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से करेंगे, ये x स्क्वायर इज दिस माइनस 2 इनटू x, और ये 6 अपॉन 5 है, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो माइनस का 2 अपॉन 5 है इसको राइट हैंड साइड पर ले गए, तो ये हो गया प्लस का 2 अपॉन 5। फिर x स्क्वायर माइनस 2 इनटू x, और फिर क्या करेंगे, ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, बेसिकली ये 3 अपॉन 5 हो गया, तो यहां लिख दो 3 अपॉन 5। फिर क्या करिए, 3 अपॉन 5 के होल स्क्वायर को यहां भी ऐड कर दो, और 3 अपॉन 5 का जो होल स्क्वायर है उसको आप राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 5 और 25 का एलसीएम हो गया 25, तो 5 5 25 5 2 10 10, और ये तो 9 ही आएगा, तो x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 9 हो गया 19 अपॉन 25। अब जब इधर होल स्क्वायर बन गया तो अब मैं स्क्वायर रूटिंग कर सकता हूं, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और इसका निकाल लिया हमने स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 19 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट, ये हमने ले लिया। तो यहां पर क्या है कि ये होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये मेरे पास बन गया x माइनस 3 अपॉन 5, और जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 25 का तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, लेकिन 19 का स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 19 अपॉन 5, और यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? Yes. यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे, ठीक है, चलिए जी। अब अगला देखता हूँ किस तरफ करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 19 अपॉन 5, और x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 19 अपॉन 5, ये हो गया। अब क्या करिए, ये जो माइनस का 3 अपॉन 5 है इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 19 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, और x इज इक्वल टू प्लस का 3 अपॉन 5 और माइनस का अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5, और x इज इक्वल टू 3 माइनस
अंडर रूट 19 अपॉन 5, तो ये दो वैल्यूज आ गई, बताइए जी क्लियर सभी को? यस ठीक है। चलिए जी यहाँ तक होने के बाद में फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर by using the method of completing the square comma show that the equation four x square plus three x plus five is equal to 0 has no real roots. चलिए जी इस तरफ करूंगा इसको आगे मैं। इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब मैं अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके दो वैल्यूज आ रही हैं, तो जैसे 3/2 आ गया और 1 आ गया, तो ये जो दो वैल्यूज आती है ना इन्हीं को दो रूट्स बोल देते हैं हम। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 + √19/5 3 - √19/5, तो ये जो दो वैल्यूज आई है ये दोनों के दोनों क्या है, इसके ये इनके रूट्स हैं। तो मुझे इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके मुझे ये प्रूव करना है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये भी बड़ा आसान है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कहीं पर भी आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक में प्रोसीजर वही सेम है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालकर दो वैल्यू निकालनी होती है, बस यही करना है। तो 4x² + 3x + 5 = 0 दे रखा है, देखेंगे 4x² + 3x + 5 = 0 डिवाइड थ्रू आउट बाय 4। थ्रू आउट आपको इसको 4 से डिवाइड करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 4x² / 3x / 4 और +5/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 से 4 कट गया, ये हो गया x² + 3/4 × x + 5/4 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब 1 आ गया, तो जो x वाली टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 2 × x × 3/4 × 2 ये हो गया, प्लस का 5/4 उधर ले जाएंगे, ये हो गया -5/4। अब ये हो गया x² + 2 × x × 3/8 ये हो गया, x² + 2 × x × 3/8 ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आप लेफ्ट साइड में भी 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और राइट साइड में भी 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, इधर भी 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इधर आ गया -5/4 + 3/8 का होल स्क्वायर, इधर भी यही ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया x + 3/8 का होल स्क्वायर और इधर आ गया -5/4 और +3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो x + 3/8 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 64 का एलसीएम तो 64 हो जाएगा, 4 के टेबल में 64 कहां आएगा, 4 16 का 64, 16 5 का 80, माइनस 80 प्लस 9 अपॉन 64, x प्लस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 71 अपॉन 64। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो वो पॉसिबल नहीं है, आप लिखेंगे taking square root on both sides, taking square root on both sides is not possible. Taking square root on both sides is not possible because we cannot take square root of a negative number. Square root of a negative number. So the given equation has no real roots. So the given equation has no real roots. बताइए सभी बच्चों को clear है? Yes, sir. Yes, sir. जहां पर परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, जहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में आप ये देखें कि एक तरफ जो टर्म है वो नेगेटिव वाली टर्म आ गई तो फिर मैं स्क्वायर रूट नहीं ले सकता। स्क्वायर रूट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए इधर तो हम स्क्वायर रूट ले पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट साइड में स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। इस वजह से हम बोल देंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई रियल रूट्स होंगी ही नहीं। बताइए जी, क्लियर सभी को? Yes, सक्षम, समझ में आ गया? सक्षम, क्षितिज, अक्षत, आदित्य, बताइए क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है? यस सर। चलिए जी, ठीक है, तो बेटा फिर आज इतना ही कर लीजिए। आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो है वो सिर्फ इतना ही था, और इसमें कोई भी नई टाइप के क्वेश्चंस है नहीं। कुछ होमवर्क आपको भेजूंगा, ट्राई करिएगा, जो डाउट है वो मेरे से पूछना। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके।